Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I'm Sakshi, your reasoning teacher. So, children, आज हम एक new chapter start कर रहे हैं, जिसका name है ranking test. Okay? So, first of all, children, ranking का मतलब क्या होता है? Ranking क्या होती है? Position. Rank का मतलब होता है position. Okay? कि आप कौन सी पोजीशन पे प्लेस हैं, ओके चिल्ड्रन. जैसे कि आप देखते हैं जब आपके इस क्लास में रिजल्ट आता है, किसी की पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट होती है, किसी की रैंक सेकंड होती है, किसी की रैंक थर्ड होती है. सो रैंक हमें क्या बताता है? पोजीशन बताता है. ओके चिल्ड्रन, जैसे कि आप लेट करिए कि आप एक क्यू में खड़े हैं, आप एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है. उसके अंदर 5 चिल्ड्रन हैं और आप कौन सी रैंक पे खड़े हैं? आप रैंक खड़े हैं थर्ड पर. ओके, सो आपके क्यू में रैंक क्या है, पोजीशन क्या है? थर्ड. ओके, सो चिल्ड्रन आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके आगे कितने चिल्ड्रन खड़े हैं और आपके पीछे कितने चिल्ड्रन खड़े हैं. ओके, सो आपके आगे कितने चिल्ड्रन खड़े हैं? 2. और आपके पीछे कितने चिल्ड्रन खड़े हैं? आपके पीछे भी 2 चिल्ड्रन खड़े हैं. सो चिल्ड्रन, आप रैंक के हेल्प से अपनी पोजीशन देख सकते हैं. ओके, और देखिए आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाए कि आप लाइन में कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल मिडल में खड़े हैं. ओके चिल्ड्रन, अब हम रैंकिंग के बेस पे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं. ओके, सो चैप्टर नंबर 5, रैंकिंग टेस्ट. सो इसमें चिल्ड्रन 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. फर्स्ट टाइप क्या है? आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एंड रैंकिंग फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम. हम किसी के पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसी पर्सन की या किसी ऑब्जेक्ट की? या तो लेफ्ट से करेंगे या राइट से या टॉप से या बॉटम से. ओके, इफ एंड पोजीशंस आर नॉट मार्क, अगर हमें किसी की एंड पोजीशन नहीं दी हुई है, देन इट इज़ टेकन डिफॉल्टली पोजीशन फ्रॉम योर साइड. तो हम क्या करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग पोजीशन को लेट करेंगे एज लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन. हम अपने अकॉर्डिंग हमारी मर्जी से पोजीशन को लेट करेंगे. ओके, टाइप 1 में क्या होगा, या तो हम जैसे कि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, या तो हम लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई पोजीशन को, या फिर हम करेंगे राइट साइड से, या हम करेंगे टॉप से. ओके, या फिर हम करेंगे बॉटम से, मतलब नीचे से. सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इन दिस टाइप क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड बाय इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ 2 पर्सन. इसमें क्या होगा, हमें क्वेश्चन में क्या करना होगा कि हमें 2 पर्सन्स की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज करनी होगी. ओके, जैसे कि देखिए चिल्ड्रन, टाइप 2 में क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये लेफ्ट साइड है लाइन की और ये क्या है, राइट साइड है. इनमें क्या है, 4 चिल्ड्रन है, रिया, निशा, जतिन एंड पीयूष. तो देखिए चिल्ड्रन, अब क्या है, जो जो जतिन है चिल्ड्रन, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, थर्ड, ठीक है, लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या है, थर्ड. अगर वो रिया से पोजीशन इंटरचेंज कर लेता है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, उसकी पोजीशन हो जाएगी फर्स्ट और रिया की हो जाएगी थर्ड. सो ऐसे क्या होती है, पोजीशन इंटरचेंज होती है. नेक्स्ट है चिल्ड्रन टाइप 3. टाइप 3 में देखिए, आइडेंटिफाई द पोजीशन और रैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन और रैंक ऑफ अदर पर्सन. हम इसमें एक पर्सन की हेल्प से दूसरे पर्सन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, और 4th टाइप है, आइडेंटिफाई द पोजीशन और रैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन आफ्टर रिमूविंग सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सीरीज. हम इसमें क्या करेंगे चिल्ड्रन, हमारे पास एक सीरीज हो गई, हम उसमें से एक ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे और फिर
पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे टाइप फोर में क्या है, एक लाइन है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट्स है ए बी सी डी ई एफ, ओके। तो ये क्या है, लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। सो जो सी है चिल्ड्रन, वो लेफ्ट लेफ्ट साइड से देखिए, लेफ्ट के कितने पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, ओके। लेफ्ट के थर्ड पोजीशन पे क्या है, सी है। अगर हम सी को रिमूव कर देंगे तो लेफ्ट पोजीशन से थर्ड अब क्या आएगा, डी। नाउ थर्ड पोजीशन पे क्या है, डी है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हम इस लेसन में करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जांपल है चिल्ड्रन, ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। ये हमें शेप्स दी हुई हैं और ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। शेप डैश इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। देखिए हमें उस शेप का नेम बताना है जो डब्ल्यू के लेफ्ट से, डब्ल्यू के लेफ्ट में है और फिफ्थ नंबर पर है। तो देखिए डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे फिफ्थ पोजीशन। सो देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, डब्ल्यू की लेफ्ट है, वन वन टू थ्री फोर फाइव, और इसका नेम क्या है, आर, ओके। क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इफ शेप क्यू एंड शेप वी आर रिमूव्ड फ्रॉम द अबव सीरीज देन डैश इज इन द मिडल ऑफ द सीरीज, ओके। सो देखिए चिल्ड्रन, इसमें इसको उस क्वेश्चन में क्या था कि अगर हम क्यू को और वी को रिमूव कर दें, क्यू को और वी को रिमूव कर दें तो क्या होगा चिल्ड्रन, हमें बताना है कि इस सीरीज़ के मिडल में कौन सी सीरीज़ होगी, कौन सी शेप होगी, ओके। सो देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर देखते हैं हम डायरेक्ट, हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने वी को रिमूव कर दिया और क्यू को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास कौन सी शेप्स बची, पी आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स, और इसका मिडल हम कैसे देखेंगे, इसका मिडल है वन टू, कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। सो देखिए इसका मिडल होगा टी, इधर भी थ्री शेप्स हैं और इधर भी थ्री शेप्स हैं, सो मिडल क्या होगा चिल्ड्रन, टी, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, इफ शेप क्यू इंटरचेंजेस पोजिशन विद द शेप डब्ल्यू देन फोर्थ शेप टू द लेफ्ट ऑफ शेप यू इज डैश, ओके, ठीक है चिल्ड्रन। तो हमने क्या किया, W को और Q को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखें, हमने देखना है देन फोर्थ शेप टू द लेफ्ट ऑफ शेप U, जो U शेप है हमारी उसमें फोर्थ पोजीशन क्या है, लेफ्ट की तरफ, सो वन टू थ्री फोर, सो आवर आंसर इज W, ओके। एग्जाम्पल है चिल्ड्रन, इफ मेघा इज बिहाइंड लतिका, ये क्या है, एक क्यू है चिल्ड्रन, हाँ क्यू है एक, इसमें क्या बोला है कि जो मेघा है वो लतिका के पीछे खड़ी है, ठीक है। आप मान लीजिए क्यू है, जो मेघा है वो लतिका के पीछे खड़ी है, ठीक है। बीना इज लास्ट इन द क्यू, जो बीना है वो क्या है, लास्ट पर है, ठीक है। एंड गरिमा इज नॉट बिहाइंड लतिका, और जो गरिमा है वो लतिका के पीछे नहीं है, पीछे नहीं है इट मीन्स गरिमा लतिका के आगे है, ओके। देन हु विल बी दी फर्स्ट पर्सन इन द क्यू, सो चिल्ड्रन फर्स्ट पर्सन कौन होगी क्योंकि गरिमा, ओके। हमने इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ऑब्जर्व द गिविंग केयरफुली फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। हमें यहाँ क्या दिए हुए हैं, एप्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है, एप्पल डैश इज द सेकेंड एप्पल टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड एप्पल फ्रॉम द लेफ्ट एंड। हमें ये क्या है, लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। हमें लेफ्ट एंड से थर्ड एप्पल देखना है, वन टू थ्री, ओके। जो थर्ड एप्पल है उसके सेकेंड लेफ्ट में देखना है,
सेकेंड लेफ्ट मतलब उसके लेफ्ट साइड का सेकेंड एप्पल, वन टू, तो वो एप्पल कौन सा है, एप्पल ए. ओके सो ए इज आवर आंसर. नेक्स्ट इज इफ एप्पल सी इज रिमूव फ्रॉम द रो देन विच एप्पल इज द मिडिल ऑफ द रो. मान लीजिए कि हमने इस सी एप्पल को रिमूव कर दिया है चिल्ड्रन, तो अब मिडिल एप्पल कौन सा होगा. देखिए कितने नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5. ओके सो ये तो रिमूव हो गया है, तो अब मिडिल एप्पल क्या होगा, डी. ठीक है, क्योंकि डी के देखिए लेफ्ट साइड भी टू एप्पल्स हैं और राइट साइड भी टू एप्पल्स हैं, तो डी क्या होगा, मिडिल में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, हमें यहाँ पर बॉल्स दी हुई है. ठीक है, इफ वन बॉल इज एडेड ऑन द लेफ्ट ऑफ बॉल वन. ठीक है, अगर हम एक और बॉल को ऐड करते हैं वन के लेफ्ट में, एक और बॉल को ऐड करते हैं, हाउ मैनी बॉल्स आर ऑन द लेफ्ट ऑफ बॉल सिक्स. तो चिल्ड्रन जो बॉल सिक्स है उसके लेफ्ट में कितनी बॉल्स हो जाएंगी. मान लीजिए हमने ए बॉल को ऐड कर दिया है, तो इसके लेफ्ट में कितनी बॉल्स होंगी, 1 2 3 4 5 6. ओके नेक्स्ट है, इफ टू बॉल्स वन एंड टू आर रिमूव्ड देन विच बॉल इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड. देखिए अगर हम क्या करेंगे, बॉल वन और टू को रिमूव कर देंगे, देन विच बॉल इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से सेकंड बॉल कौन सी होगी, एट. ओके नंबर एट है, विच आइटम इज फिफ्थ फ्रॉम द लास्ट. हमें बतानी है कि लास्ट से फिफ्थ आइटम कौन सी है, और हमें यहाँ पर गिवन है कि फर्स्ट आइटम ये है. ओके सो हमें लास्ट से फिफ्थ बतानी है, तो ये क्या है, लास्ट, 1 2 3 4 5. सो दिस इज द फिफ्थ फ्रॉम द लास्ट. नाइन्थ क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये हमें शेप्स दी हुई है और ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेप्स आर ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेकंड शेप फ्रॉम द राइट एंड. ये देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि राइट एंड से जो हमारी सेकंड शेप है उसके लेफ्ट में कितने शेप्स आते हैं. सो देखिए ये क्या है, हमारी राइट साइड है और इसकी सेकंड शेप कौन सी है, ये वाली है. ठीक है, तो हमने इसके लेफ्ट में शेप्स को काउंट करना है. सो देखिए इसके लेफ्ट में कितनी शेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 इज आवर आंसर. ओके चिल्ड्रन, अब देखिए 12th क्वेश्चन, ईवीएस इंग्लिश एंड मैथ्स बुक्स आर कैप्ट इन द मैनर एक्सप्लेन बिलो. ठीक है, मैथ बुक इज नॉट द लास्ट बुक. देखिए थ्री बुक्स दी हुई हैं हमें चिल्ड्रन. ठीक है, थ्री बुक्स दी हुई हैं हमें. जो मैथ की बुक है वो क्या है, लास्ट पर नहीं आएगी. तो इट मीन्स क्या है चिल्ड्रन, जो मैथ्स की बुक है वो या तो फर्स्ट पर आएगी या सेकंड पर आएगी. ओके, ईवीएस बुक इज अबव द मैथ्स बुक. देखिए चिल्ड्रन या तो मैथ्स की बुक यहाँ आएगी या फिर यहाँ आएगी, और ईवीएस बुक इज अबव द मैथ्स बुक. जो ईवीएस की बुक है वो मैथ्स की बुक से ऊपर आएगी. इट मीन्स मैथ्स की बुक यहाँ पर नहीं आ सकती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आएगी, ईवीएस की बुक आएगी. इट मीन्स मैथ्स की बुक यहाँ पर आएगी और ईवीएस की बुक यहाँ पर आएगी. इंग्लिश बुक इज नॉट एट द सेकंड प्लेस, और इंग्लिश बुक जो है वो सेकंड प्लेस पर नहीं आएगी. इट मीन्स इंग्लिश बुक कहाँ आएगी, यहाँ आएगी. ओके सो विच बुक इज द फर्स्ट बुक फ्रॉम द टॉप. सो टॉप से जो फर्स्ट बुक है वो कौन सी होगी, ईवीएस. ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन है 14, इन अ रो ऑफ 10 स्टूडेंट्स. एक क्या है, एक रो है चिल्ड्रन 10 स्टूडेंट्स की, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 and 10. ठीक है, रमन इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट. ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और रमन कहाँ पर है, थर्ड पर. 1, 2, 3. सो हेयर इज रमन. ठीक है, एंड स्वाति इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड. और जो स्वाति है वो राइट साइड के सेकेंड में है. ठीक है, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन रमन एंड स्वाति. ओके, सो रमन और स्वाति के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, सो 5 इज आवर आंसर. सो हमको ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर्स करने हैं. इफ गिवन बिलो नंबर्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर देन विच नंबर विल बी द सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड. ये हमें नंबर्स दिए हैं, हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. मतलब पहले हमें स्मॉल लगाना है, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग. तो स्मॉलेस्ट क्या है इसमें, 149. और उसके बाद देखिए चिल्ड्रन, 273. और उसके बाद 429. और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा चिल्ड्रन, 513. और उसके बाद 534 एंड देन 651 एंड देन 726 एंड देन 845. ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. अब हमें बताना है कि राइट से सेकंड नंबर कौन सा है. ये है हमारी राइट साइड और इसके सेकंड में है 726. ओके, सो आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है. 18th क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, ये हमें सीरीज दी हुई है. ओके, सो इसका क्वेश्चन ये है, इफ़ ऑल दी वोवल्स आर रिमूव फ्रॉम द अबव अल्फाबेट सीरीज देन डैश कम्स जस्ट बिफोर पी. सो वोवल्स कौन से होते हैं चिल्ड्रन, ए, ई, आई, ओ, यू. सो हम क्या करेंगे, इसमें से ए, ई, आई, ओ, यू को रिमूव कर देंगे और उसको, और फिर उसके बाद हमें बताना है कि पी से पहले कौन सा लेटर, कौन सा अल्फाबेट आएगा. सो देखिए पी कहाँ है, यहाँ है. पी से पहले क्या है, ओ, बट ओ को हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है. तो इससे पहले जस्ट क्या आएगा, एन. सो एन इज अवर आंसर. नेक्स्ट है, विच अल्फाबेट इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. मतलब है चिल्ड्रन, हमने पहले लेफ्ट हैंड से 13 लेटर को देखना है और उसके बाद उसके लेफ्ट साइड में सेकेंड लेटर को देखना है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. सो 13 कहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड से, कौन सा लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ओके, और इसके लेफ्ट में हमें देखना है सेकेंड लेटर, 1, 2. सो के इज आवर आंसर. सो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके चिल्ड्रन, सो आज हम इतना ही करेंगे. बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे.